अपने मन पसंदीदा ड्रामा से जुड़े रहने के लिए अभी जाएं और मन टीवी को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बटन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। मन टीवी, सब कुछ मनचाहा। ओफो भाई, चोरी और डकैती की वारदातें बढ़ती ही जा रही हैं, कोई पूछने वाला ही नहीं। मम्मी, आपको पता है ये पीछे दो गलियां छोड़कर ना डाकू घर में घुस गए और सारा कुछ ले गए। ओह माय गॉड, शर्फू, शर्फू इधर आओ, शर्फू। जी मैडम जी। तुम हमेशा गेट पर बैठा करो और गेट बंद रखा करो। ये मेरी तरक्की करके अब मुझे आपने चौकीदार बना दिया। इस घर की जिम्मेदारी तुम पर भी है। तुम्हें पता नहीं कि आजकल डकैतियां हो रही हैं? हाँ जी, हो तो रही हैं। अब कोई चौकीदार रख लेते हैं तो उसकी तनख्वाह तुम्हारे गुर्दे बेच कर देंगे। वैसे माशाल्लाह सेहतमंद तो आप भी बड़ी हैं। बकवास बंद करो, नजर ना लगाना। ज्यादा बकवास ना करो और पढ़ पढ़ ना किया करो, नजर रखो। वही तो रखता हूँ, ये रखने नहीं देते। Get lost. जी। तौबा, 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 दिमाग खा लेता ये बंदा पागल, कहां से पीछे पड़ गया? ये इसको कहते हैं ऐसे ऐसे वाइपर मारते हैं ऐसे। वाह वाह, तुझे पता भी है? ओ यार क्या है, सर्दी में ठंडे फुहारे मारती है यार। नौकरो, अटेंशन। ओ भाई, पहले ही बड़ी टेंशन है, तू नई टेंशन देने आ गया। ओए जाइलो, होशियार हो जाओ। वो क्यों? कोई चंगेज खान आ रहा है? चंगेज खान नहीं, इस घर का नया मालिक शर्फुद्दीन आया है। और मेरी एक बात कान खोल के सुन लो, जेदे घर का सारा सौदा सलफ बाहर से तुम लेके आओगे और आगे मुझे रिपोर्ट करोगे। रिपोर्ट करूंगा? हाँ जी। और तुम फरीदा, जब छत पे कपड़े डालने जाओगी तो शमसू से आंख मटक्का नहीं करोगी, सुन लिया? और नीचे आके मुझे छत से पूरे मोहल्ले की रिपोर्ट लेके मुझे बताना कि कौन किसको ताड़ता है, कौन किसको ताड़ती है, समझी? लो भला, मैं क्यों देखूंगी उस बुड्ढे को? तुम्हारा क्या पता, जैसे मैं तुम्हें जानता नहीं, तुमने मोहल्ले के कई बूढ़ों को जवान कर दिया है जो अब खसाब लगा के फिरते हैं। और पर पता तो चले ये सब किस लिए और क्यों? इसलिए कह रहा हूं कि मैडम जी ने मुझे इस घर का सिक्योरिटी हेड बना दिया है। लो भाई, अब चौकीदारी की भी जिम्मेदारी इन्हीं को ही सौंप दी गई है। सारा मल्ला सोया करेगा, ये कहा करेगा, जागते रहना भैया। शट अप, नौकरानी, हद अदब, अपनी औकात में रहो। तुम्हें चौकीदार और सिक्योरिटी हेड में फर्क नजर नहीं आ रहा? देखते नहीं हो आजकल कितनी वारदातें होती हैं? ना तेरे पास असला, ना कोई सोटी, ना कोई पिस्तौल। वो अगर चोर आ गया तो क्या मुंह से फायर करोगे? ठा ठा, मैं कहीं से भी आवाज निकालूं। तुम दोनों मेरी बात गौर से सुनो और उसे समझने की कोशिश करो। शर्फू, एक ना आइडिया है मेरे पास। बताओ नौकरानी फरीदा। तुम ना अपने मुंह से ना कुत्ते की आवाज निकालना, सारे डाकू डर के खुद ही भाग जाएंगे। आवाज निकालने की इसको क्या जरूरत है? ये जो है, भाग भाग भाग, एक डाकू तो भाग गया। कौन? आ रहा हूं, आ रहा हूं। हाँ भाई कौन? पोस्टमैन। किसकी चिट्ठी है? और चिट्ठी नहीं है, मनीग्राम। ओए मनीग्राम, आ जाओ बाजी, आ जाओ बाजी, आ जाओ। अरे मनीग्राम, किधर है मनीग्राम? अरे ये मनीग्राम। पोस्टमैन भाई, हमने छुरी नहीं मंगवाई, ये कौन सा मनी है यार? अरे मेरा नाम है चीता। छुरी मार, किधर और जाके मार पुरा मेरा। और यहाँ से तुम्हें कुछ नहीं मिलना, यहाँ तो मुझे दामाद बन के कुछ नहीं मिला तो तुम्हें क्या मिलेगा? और यहाँ कौन कौन रहता है? बड़ी मैडम, छोटी मैडम, मैं और दो नौकर।
और दो नौकर। तो ये गरीब कर। हाँ जी ये गरीब है, वो नौकर कहते हैं जी हमें सिर्फ रोटी दे दें बस रख लें। और मुझे चाल साथ अंदर लेके चल। अच्छा जी। और चल। ओए चल अंदर लेके। ओए चल। एक मिनट। ओए सुनो। एक मिनट। और तेरी लताएं सपनेंगे ने? चल सुनो। और तुम्हारे घर वाले किधर है? इधर उधर ही होंगे और किधर होंगे? और बुलाओ सबको। अब ठीक है मैडम जी। साइमा जेदे फरीदा ओ जल्दी आओ। वो क्या जेदे जेदे छुरी वो छुरी थले साल है वो फेर देगा। अच्छा बिस्मिल्लाह करो जी। नहीं नहीं ये क्या है? ये क्या है? अरे बेवा होने का सामान। मगर डाकू भाई हम तो बहुत गरीब हैं, यहाँ क्या मिलेगा आपको? हाँ जी मुझे भी तनख्वाह नहीं मिली। और चुप करो सब लोग, जब मैं छुपने आया हूँ। ये तो छोटा सा घर है भाईजान, यहाँ कैसे छुप सकते हो? यहाँ तो हम आपस में टकराते रहते हैं। अरे ज्यादा शहरी ना करना, मेरे पीछे पुलिस लगी हुई, नहीं तो मैं मार दूंगा तुझे। डाकू भाई आप यहाँ रुक कर क्या करेंगे? हमारे पास तो अपने खाने के लिए कुछ नहीं है, आप क्या खाएंगे? हाँ सही कह रही है, मैं इस घर का दमाद हूँ, तीन दिन से रोटी नहीं खाई। और जो आप लोग खाते हैं वही मैं खा लूंगा। हम तो रोजा रखते हैं, वो भी अट पैर। और लड़की जाके कुर्सी लेके आ। ओए जाके रस्सी लेके आ। ये लो जी। डाकू भाई ने आप रस्सी का क्या करेंगे? बताता हूँ तुझे। मुझे ही बताना, किसी और को बता दो। घर का मालिक कौन है? ये बैठो इधर बैठो। ओ जेदे रस्सी जल्दी लेके आ, मोटर के पीछे पड़ी है, जल्दी लाओ मोटर के पीछे। बांध इनको, इनके हाथ भी पीछे करके बांध, हाथ पीछे करो। मेरी मम्मी को ना बांधो, किसी को बांध लो ना। ठीक है अब बांधो, हाथ पीछे करो बांधो। यार बांधना भी नहीं आता, जल्दी बांधो, ऐसे बांधते हैं ऐसे। जल्दी एक मिनट, आप इन्हें छोड़ तो नहीं देंगे? नहीं है। तो चीनी कम थी मगर अगली बार पूरी कर देना। जी अच्छा जी। शिदा भाई आपने ऐसा क्या काम किया कि पुलिस आपके पीछे है? सिर्फ दो कत्ल किए मैंने। अच्छा दो कत्ल है? दो कत्ल तीसरा कत्ल दो। और इनको क्या हो गया? किधर फौत नहीं हो गई? शीदा भाई मेरे मुकद्दर ऐसे कहा, असल मसला ये नहीं कि ये फौत हो गई है, असल मसला ये है कि ये कहीं दोबारा तो नहीं जिंदा हो जाएंगी। अच्छा बात सुनो मेरी, एक काम करो दोपहर के खाने में पुलाव बनाना और छोटा गोश्त लाजमी डालना उसमें। जी बेहतर। शीदा भाई अगर छोटा ना मिले तो बड़े के छोटे 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 टुकड़े करके बना लूं? अच्छा वो छोटे का ही बना लेता हूँ। शीता भाई आप मुझे अपना छोटा भाई समझे, अब कोई भी काम हो ना आपने मुझे बताना है, मैं ना आपके साथ हूँ पक्का।
ओ इन्हां दे विच तू ही मैनूं चंगा लगा। लेके आता हूं जी। शर्फू, ये क्या मुसीबत है? उसने मेरी मम्मी को बांधा हुआ है। तुमने उसे जो कुछ देना दिलाना है देकर उसको भेजो यहाँ से। यार यही तो मसला है तुम अमीरों का। इसमें अमीरी गरीबी की क्या बात है? उसे पैसे नहीं चाहिए। वो बड़ा खतरनाक मुजरिम है, फांसी घाट से भागा हुआ है। चा? जी, उसके पीछे पुलिस पड़ी हुई है। जब तक उसे तसल्ली नहीं हो जाएगी ना, तब तक वो यही रहेगा। बस तुम दुआ करो कि पुलिस यहाँ ना आ जाए, फिर वो हमारे लिए बहुत खतरनाक होगा। मम्मी की जान को भी खतरा है। अगर पुलिस यहाँ आ गई तो वो मम्मी को यरगमाल बना के साथ ले जाएगा। फल्ला, किस मुसीबत में फंस गए? वैसे मैं तो चाहता हूँ कि मम्मी चली ही जाए। क्या? अब वो अपने घर, ताकि हम सुकून से रहें ना। मम्मी का सोचो कुछ। वही तो सोच रहा हूँ। अल्लाह, जल्दी से निकल जाए इस मुसीबत से। आमीन। एक्सक्यूज मी बेटा, तुम अभी तक गए नहीं? ओ मैं इधर ही हूँ दो दिन, जब तक मामला दब नहीं जाता। तुम्हारे घर वाले इंतजार कर रहे होंगे। घर वालों को पता है जी, दो बंदे मैंने कत्ल कर दिए। ओ पुलिस मेरे पीछे। डाकू बेटा, मैं तुम्हें पैसे देती हूँ, वो पैसे लेकर तुम यहाँ से चले जाओ। हाँ बुढ़िया, तुम चीता छुरी मार को खरीदना चाहती है? तो बुढ़िया, छुरी मार के ना शेक कर दूंगा। अच्छा बेटा, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, गुस्सा ना करो। कोई बात नहीं, थोड़ी देर बाद चले जाना। हाँ, नाराज नहीं होना। जब वक्त आएगा ना बुढ़िया, चला जाऊंगा, और तुम टेंशन ना ले। देख बेटा, मेरी बात सुन, तू मुझे बुढ़िया ना बोल, मुझे बहुत बुरा लगता है। मुझे मार दे मगर मुझे बुढ़िया ना कहना। मैडम क्या है, मेरा बेटा कितना अच्छा लगता है। मैडम, मैडम क्या है, ये ना कहना, ये ना कहना। क्या वो? ओ यही तो पूछ रही हूँ, तेरी तबीयत तो ठीक है? बस ब्लड प्रेशर जरा लो है, थोड़ा सा नमक वाला पानी दे दो। और शीद लोटा ला दूं? यार मेरी पहली तबीयत खराब है, मेरा त्राह निकला हुआ है, तुझे लोटे की पड़ी हुई है यार। भाई बात सुनो, शीदे भाई ने कहा है कि आज लंच में वो मटन पुलाव खाएंगे, जल्दी से बनाओ। आप उसकी खिदमत में लगे हुए, यहाँ हमारी जान निकली जा रही है। यार अपना शरफुद्दीन भाई, यार पुलाव बनाने के लिए गोश्त तो बाजार से लाना पड़ेगा ना, ये खूनी दरिंदा हमें जाने देगा? तू ऐसे कर कहीं किसी तरह मुझे यहाँ से निकाल दे। इसका फैसला तो शीदा भाई खुद करेंगे। यार शीदा भाई वो तेरी फूफी का पुत्र है यार। दानो, मेरी फूफी का पुत्र नहीं है। हाँ? अच्छा तू इस तरह कर, मैं भाई नहीं कहता। हाँ? तू जा कमरे में, सीधा छुरी लेके शीदे के सामने खड़ा जा। बाहर निकलो शीदे, मैं तेरी टांगे तोड़ दूंगा। आ लगड़ बगड़। अच्छा चल जा, ये छुरी पकड़ाना, छुरी पकड़ाओ। ओए शीदे, ओ लगड़ पके, मैं तेरी टांग काट दूंगा। ओए इधर नहीं, अंदर जाके क्या फिर पता चलेगा। नहीं नहीं, वो तो मुझे छुरी मार देगा। और मैं भी तो अपनी जान बचा रहा हूँ, इसलिए भाई भाई कहना पड़ता है। लो बड़े है बहादुरी के अलम, बरदार ना हो। छुरी नहीं देखती कि नीचे बहादुर है या कोई मस्कीन पड़ा हुआ है या कोई नंबरदार है? उसने सिर्फ काटना है, भले प्याज हो भले आलू हो। और यार पुलाव बनाओ, चलो उठो। और उठो, जान बचानी है तो पुलाव बनाओ। चलो मेरे हाथ पैर काम नहीं कर रहे हैं। चल मैं तुझे ड्रिप लगाता हूँ, चलो उठो, चलो काम करो, प्याज काटो काटो काटो। चलो डाकू बेटा, ये कौन सी गेम खेल रहा है मेरा जान? साहब वाली गेम भी अपने काम के मुताबिक खेलता है। शीदा भाई, वो मैं सोच रहा हूँ कि पुलाव कैसे बनाऊं, वो ना घर में गोश्त नहीं है,
अगर आपकी इजाजत हो तो मैं जेदे को गोश्त लेने के लिए बाजार भेज दूं। अरे खबरदार, किसी को नहीं बाहर भेजना। सब्जी वाला पुलाव बनाओ। हाय अल्लाह, अब ये शेर जैसा मेरा बच्चा सब्जी पुलाव खाएगा। तेरा 2 किलो गोश्त उतार के ना पुलाव बनवा दूंगा। मैडम जी, इसमें परेशानी वाली क्या बात है? अच्छा है, 2 किलो वजन आपका कम होगा। सलीम, तुझे तो मैं देख लूंगी सिक्योरिटी इंचार्ज। तूने जो किया है सब पता है मुझे। अरे तुम अपनी चोंच लगाने ना बंद करो, जाओ जाके सब्जी वाला पुलाव बनाओ। जी शीता भाई, लेकिन सब्जी लेने के लिए भी तो बन गया पुलाव ऐसे, ये बन गया। जदे ओ यार, मुझे भी डरा देते हो। मुझे लगता है ये मुझे मार के जाएगा। कौन? ये जो बंदा अंदर आया ना, देख लेना आप, ये हम सबको छुरियां मार के जाएगा। नहीं नहीं, मुझे ऐसा नहीं लगता, वो बड़ा असूल पसंद आदमी है। वाह, असूल पसंद! ये 2 बंदे जो फड़काए हैं उसने किस असूल के तहत फड़काए हैं? और जो फांसी घाट से भागा है, कम से कम उसने 2 बंदे फड़काए होंगे ना। और फांसी घाट से ऐसे नहीं भागा, वो फंदा उसके साइज का नहीं था, बीच में से निकला तो भाग आया। यार पहले ये बताओ, आप उसके साथ हो या हमारे साथ हो? जे दे कहता है तो ठीक है यार, अब करें क्या? अब मैं बताता हूँ। क्या? मैं खुद भी शर्फू से बहुत तंग हूँ, जाते जाते इसका भी बंदोबस्त करके जाना। हो जाएगा। शीदा भाई, आपका सब्जी पिलाओ। वाह, अच्छी खुशबू है, मजेदार है। अच्छा, हाँ हाँ, खाएं खाएं खाएं। बेटा जल्दी जल्दी पुलाव खाओ, और उसके बाद जो मैंने काम तुम्हें कहा है ना, उस पे लग जाना। मैडम जी, कौन सा काम है मुझे बताएं, मैं कर देता हूँ। बहुत जरूरी काम है। क्या हुआ, क्या हुआ? चक्कर दे आ रहे हैं। चक्कर आ रहे हैं? मुबारक हो मैडम जी, चक्कर आ रहे हैं। क्या हुआ, क्या हुआ है? चक्कर नहीं आ रहे? ओए जेदे, ओए आजा जेदे, हो गया काम, हो गया। जेदे पहुंच, बेहोश हो गया। इसे क्या हो गया? मैंने तो इसे बड़ा जरूरी काम कहा था। मैडम जी, हा? मैंने इसके चावलों में बेहोशी की दवाई डाल दी है, 2 घंटे तक अभी उठेगा। ओ मार, से मार 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 मार, एक और। ओ मनुसो, मुझे तो आजाद करो। ओ जेदे, चला आजा आजा जल्दी आ, चाब चल खोल। मेरा दिल नहीं कर रहा। बांधने को दिल कर रहा था? ओ चल खोल, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता। अच्छा, मेरे हाथ थक गए। अच्छा अच्छा।